नमस्कार, मैं डॉक्टर कुंजहरी मेडी, कैंसर मेडिसिन सुपर स्पेशलिस्ट मतलब मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। मैं आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ और ये है कैंसर वैक्सीन। मतलब कैंसर में वैक्सीन का क्या रोल है, इसके बारे में बात करूँगा। पिछले कुछ दिनों में न्यूज़ में, सोशल मीडिया में एक बात के ऊपर बहुत डिस्कशन हो रहा है और वो है कैंसर वैक्सीन के ऊपर। सर्वाइकल कैंसर में एक वैक्सीन हमारे देश में बनाया गया है जो बहुत कारगर है और बहुत महंगा नहीं है। ये 200 से 400 रुपया में आ जाएगा और कुछ ही दिनों में मार्केट में आने का संभावना है। आम लोगों का इस्तेमाल के लिए ये आ जाएगा और इसी के बारे में बात करेंगे। ये न्यूज आने के बाद कैंसर वैक्सीन के प्रति लोगों के उत्सुकता बढ़ गया है और इसके बारे में थोड़ा जानकारी देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। पहले जानते हैं वैक्सीन कैसे काम करता है। हमें पता है कि जो बीमारी वायरस या बैक्टीरिया इत्यादि से होता है उनमें वैक्सीन अवेलेबल है। वैक्सीन के लिए ये इन्फेक्शियस एजेंट का कुछ हिस्सा, जैसे वायरस का कुछ हिस्सा या पूरा वायरस का लाइफ एटेन्यूएट करके उससे वैक्सीन बनता है। और जब ये वैक्सीन बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं इंजेक्शन के जरिए या ओरली, जैसे ओरल पोलियो वैक्सीन, ऐसे इंट्रोड्यूस करने के बाद बॉडी में जाके ये प्रोटेक्शन बना देते हैं उस एजेंट के अगेंस्ट, मतलब उस बीमारी के लिए ये बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट कर देते हैं, जिसके वजह से या तो वो इन्फेक्शन होता ही नहीं है या इन्फेक्शन अगर हो भी जाता है उसका सीवियरिटी कम होता है और माइल्ड फॉर्म में इन्फेक्शन होता है। इसका एक एग्जाम्पल है जो कोविड वैक्सीन। जैसे कोविड इन्फेक्शन में पहला फेज में वैक्सीन आने से पहले जब इन्फेक्शन हुआ था तो बहुत सीवियर हुआ था और बहुत लोगों का जान चले गए थे। लेकिन जब वैक्सीन, कोविड वैक्सीन दिया गया है, उसके बाद जब इन्फेक्शन हुआ है इसका सीवियरिटी कम हो गया और ये माइल्ड फॉर्म में इन्फेक्शन हुआ है। तो इस प्रकार के वैक्सीन के जरिए इन्फेक्शन के लिए प्रोटेक्शन मिलता है। कुछ कैंसर वायरल इन्फेक्शन के वजह से होता है। मैंने पहले का वीडियो में जिसमें कैंसर का रिस्क फैक्टर के बारे में बात किया, उसमें मैंने बताया था कुछ कैंसर वायरल इन्फेक्शन के वजह से होता है, जैसे सर्वाइकल कैंसर मतलब बच्चादनी का मुंह का कैंसर, HPV वायरस के वजह से होता है, इन्फेक्शन के वजह से होता है, HPV मतलब ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन के वजह से लिवर कैंसर होता है और HIV एसोसिएटेड कैंसर भी होता है HIV इन्फेक्शन के वजह से। जब ये वायरल इन्फेक्शन को हम वैक्सीन के जरिए रोक देते हैं या प्रिवेंट करते हैं, इसके द्वारा इस टाइप का कैंसर भी रोक सकते हैं और कैंसर से बच सकते हैं, कैंसर प्रिवेंट हो जाएगा। तो इसलिए इस टाइप का वैक्सीन का रोल है कैंसर प्रिवेंशन में और इसी के वजह से इसको कैंसर वैक्सीन भी बोलते हैं। HPV मतलब ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन सर्वाइकल कैंसर का प्रमुख कारण है। इसके अलावा वेजाइनल कैंसर, वाल्वल कैंसर, एनल कैंसर, ओरल कैंसर एंड ओरोफेरिंजियल कैंसर का भी ये कारण है। HPV के लिए जो वैक्सीन है, HPV वैक्सीन, ये इंडिया में पहले इंडिजिनस वैक्सीन नहीं था, लेकिन 2006 से ही ये दो वैक्सीन अवेलेबल हैं। एक है गर्डासिल जो MSD कंपनी का है और दूसरा है सर्वरिक्स जो GSK कंपनी का है। ये दो वैक्सीन 2006 से ही है और FDA अप्रूवल मिला था 2006 में। लेकिन अभी खुशी की बात यह है, इंडिया में
अपना इंडिजेनस वैक्सीन बना है, ये क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन है, 4 स्ट्रेन के अगेंस्ट ये वैक्सीन है, ये स्ट्रेन है 6, 11, 16 एंड 18 HPV का ये स्ट्रेन है, और इस 4 स्ट्रेन के अगेंस्ट ये क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन है, और ये बहुत कारगर वैक्सीन है जो 100% प्रोटेक्शन देते हैं अगर 15 साल से पहले ही एज में दिया जाता है। और ये सबसे खुशी की बात ये है, ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आ रहे हैं, ये 200 to 400 मतलब 200 से 400 रुपया में एक डोज का वैक्सीन मिल जाएगा, और ये बहुत जल्द इसी साल के अंत में मार्केट में आ जाएगा, और आम लोगों के लिए ये बहुत अफोर्डेबल वैक्सीन साबित होगा। ये जो HPV वैक्सीन इंडिया का इंडिजेनस वैक्सीन है, इसका नाम है सर्विवैक, और ये क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन है, और ये SII मतलब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में बनाया गया है। ये इंजेक्शन के जरिए दिया जाएगा, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। अगर 15 साल से पहले दिया जाएगा तो इसमें 2 डोज होता है, 0 एंड 6 मंथ, और 15 साल के बाद अगर दिया जाता है तो 3 डोज होगा, 0, 1 और 6 मंथ में, मतलब 3 डोज दिया जाएगा। और आइडियल एज है 9 साल से 14 साल, मतलब 9 to 14 years, लेकिन अप टू 26 इयर्स भी इसको दे सकते हैं, लेकिन 26 इयर्स के बाद अगर देते हैं तो इसका इफेक्टिवनेस कम हो जाता है। 15 साल के पहले अगर दिया जाता है तो ये बोला गया है 100% प्रोटेक्शन देते हैं HPV के अगेंस्ट, और 15 साल के बाद देने से इसका इफेक्टिवनेस थोड़ा कम हो जाता है। 26 साल के बाद अगर देते हैं तो तकरीबन 60% से 70% इफेक्टिवनेस होता है। सर्वाइकल कैंसर हमारे देश में कितना कॉमन है, कुछ साल पहले तक सर्वाइकल कैंसर इंडिया में फीमेल में मोस्ट कॉमन कैंसर होता था, और इस समय ये सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है, और वर्ल्ड वाइड ये 4th मोस्ट कॉमन कैंसर है फीमेल में। और जो कॉमन एज है इसके लिए 35 to 45 years, मतलब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ही होता है, और इसके लिए जो वायरल इन्फेक्शन है HPV इन्फेक्शन है, इसका एक्सपोजर टीनेजर एज में ही होता है, मतलब 15 साल के आसपास जैसे सेक्सुअल लाइफ सेक्सुअल एक्सपोजर होता है उसी समय ये वायरल इन्फेक्शन के लिए एक्सपोज हो जाता है। इसलिए वैक्सीन देना होता है टीनेजर एज में ही, मतलब 15 साल से पहले ही देना होता है, ताकि HPV वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिल जाए। सर्वाइकल कैंसर इंडिया में इतना कॉमन है, जो साल में तकरीबन 1,20,000 के करीब सर्वाइकल कैंसर डायग्नोसिस होता है, और इनमें से 70,000 के करीब लोग सर्वाइकल कैंसर का शिकार हो जाते हैं। ज़्यादातर कैंसर वायरल इन्फेक्शन के कारण नहीं होता है, और इन कैंसर में भी प्रिवेंशन के लिए कैंसर वैक्सीन का ज़रूरत है, जो ज़्यादातर रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल लेवल में ही है। ऐसे कैंसर वैक्सीन 2 प्रकार का है, पहला थेरापेटिक कैंसर वैक्सीन और दूसरा प्रोफाइलेक्टिक कैंसर वैक्सीन। जो थेरापेटिक कैंसर वैक्सीन है ये कैंसर होने के बाद दिया जाता है रिकरेंस प्रिवेंट करने के लिए, या रेजिडुअल डिजीज जो रह जाता है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए है। इस प्रकार का वैक्सीन 3 वैक्सीन FDA अप्रूव्ड हैं, और ये है यूरिनरी ब्लडर कैंसर के लिए BCG वैक्सीन, प्रोस्टेट कैंसर के लिए सिपुलिसेल टी वैक्सीन, और एक वैक्सीन मेलिग्नेंट मेलानोमा के लिए ट्रीटमेंट के लिए है। और इस प्रकार का वैक्सीन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये इम्यूनोथेरेपी जैसा ही होता है। दूसरा टाइप का जो वैक्सीन है ये प्रोफाइलेक्टिक वैक्सीन है, और ये उन लोगों के लिए होता है जो कैंसर के लिए हाई रिस्क होता है, मतलब कुछ जेनेटिकल म्यूटेशन है या फैमिली हिस्ट्री है, और जिन लोगों का
प्री कैंसरस कंडीशन है, जैसे कोलन कैंसर के लिए कोलन में पॉलिप है, या ब्रेस्ट कैंसर के लिए और ओवरी कैंसर के लिए कुछ जेनेटिकल म्यूटेशन है। ऐसे तो कैंसर के लिए वैक्सीन बनाने का जो प्रोसेस है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और आसान नहीं है, क्योंकि कैंसर एक बीमारी नहीं है, कैंसर अनेक है। अलग अलग लोगों में एक ही कैंसर अलग अलग टाइप का होता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर HER2 पॉजिटिव भी होता है, HER2 नेगेटिव भी होता है, और अलग अलग पार्ट का कैंसर का मॉर्फोलॉजी अलग अलग होता है। तो इसलिए कैंसर का वैक्सीन प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इनके ऊपर बहुत रिसर्च चल रहे हैं और कुछ वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल में भी आया है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर के लिए दो वैक्सीन है, एक E75 वैक्सीन और एक GP2 वैक्सीन। ये पेप्टाइड वैक्सीन है और ये फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल में चल रहा है, और उम्मीद है आगे आने वाला समय में एटलीस्ट कुछ कैंसर के लिए कुछ अच्छा वैक्सीन मिले। कैंसर के वैक्सीन के बारे में आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं इस जानकारी से आपको फायदा होगा। कैंसर वैक्सीन कैंसर के अगेंस्ट फाइट करने के लिए एक शस्त्र। मैं और एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। अभी भी कुछ लोगों को लगता है जो कैंसर लाइलाज बीमारी है, और कैंसर का जो मॉडर्न ट्रीटमेंट है ये बहुत खर्चीला है, बहुत साइड इफेक्ट होता है और ये बेकार है, और ये सोच के कैंसर का डायग्नोसिस होने से पहले ही या कैंसर का डायग्नोसिस होने के बाद ही किसी और ट्रीटमेंट के लिए चले जाते हैं जो कि साइंटिफिक नहीं है। तो इसलिए मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसा कोई ट्रीटमेंट के लिए जाने से पहले अच्छी तरह से परख लें, क्योंकि इंटरनेट में और सोशल मीडिया में कोई कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी दवा कर सकते हैं, उसमें सच्चाई हो या ना हो। इसलिए ऐसा कुछ ट्रीटमेंट में जाने से पहले अच्छी तरह से देख लेना चाहिए, क्योंकि इस सिलसिले में आपका कहीं वैल्यूएबल समय खराब ना हो जाए। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ मेरे इस प्रयास में आप लोग आगे भी जुड़े रहेंगे और इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, और अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, आगे और किसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद, नमस्कार।